नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ महेश और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। आजकल चाइना का नाम सुनते ही आपका और हमारा खून खौलता है। पहले तो हम चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, लेकिन अब जो अपना फ़ोन है वो भी अपना कम चाइना का ज़्यादा लगने लगा है। खैर, टिकटॉक और दूसरे चाइनीज ऐप को गवर्नमेंट ने बैन तो कर दिया है, लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि इंडिया और चाइना के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। जब भी कोशिश हुई ड्रैगन ने अपनी जात दिखा दी। नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई बोला तो 1962 में जंग हुई। मोदी जी चीनी राष्ट्रपति के साथ झूला झूले तो सेना को डोपलाम और गलवान में जूझना पड़ा। पर भारत और चीन के बीच देश जब जुनून पे होता है तो असल में जूझता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बिल्कुल सही सुना आपने, उत्तर पूर्व भारत। कैसे, यही बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ताकि आप नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को पहचान सके और चीन की चालबाजी जो वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के खिलाफ करते हैं वो समझ सकें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, इन्हें ध्यान से देखिए। वही चेहरा, वही नाक नक्श, वही खान पान और वही पहनावा, यही सोचता है आधा देश। और इन लोगों को चाइनीज करार देने में सेकंड्स नहीं लगते, पर ये चीनी नहीं 100% भारतीय हैं। विविधता वाला हमारा ये देश भारत कभी कभी ये भूल जाता है कि जब साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया के लोगों से अलग दिख सकते हैं तो फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग क्यों नहीं दिख सकते। हिस्ट्री को ठीक से पढ़ने पर यह पता चलता है कि साउथ ईस्ट और सेंट्रल एशिया में 12th सेंचुरी में मंगोलों का बोलबाला था। चीन, तिब्बत, म्यांमार जैसे देशों में बड़ी संख्या में मंगोल नस्ल के लोग बस गए जो मंगोलॉइड कहलाए। इनमें से कुछ लोग 14th सेंचुरी में कामरूप प्रांत में आए और बाद में अहम डेनिस्टी का हिस्सा बने। मंगोलॉइड अपने नाक नक्श और चेहरे की बनावट के लिए अलग पहचान रखते हैं और इसी की छाप असम में, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों में देखी जाती है। इस कारण पहाड़ों पर बसते नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बिना जाने हम विदेशी करार देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। कोरोना के वक्त भी हम चाइना के नाम पर अपने नॉर्थ ईस्ट भाई बहनों पर रेसिस्ट कमेंट कर देते थे, जबकि सच ये है कि ऐसा करने पर हम भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, वो संविधान जो रंग, नस्ल या धर्म के आधार पर भेदभाव पर पाबंदी लगाता है। इसीलिए ये बेहतर तरीके से हमें सोचने की ज़रूरत है कि 220 से ज़्यादा जनजाति वाला नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान में ही है और यहाँ के लोग हमारे और आप जैसे ही आम हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू, वेलकम। ये सभी लोग यहीं से हैं? हाँ, ये है, ये इधर रहते हैं, इसी गांव का। हाँ, इसी गांव। अब समझिए, आप जिसे चीनी बुला रहे हैं वो चाइना से और ज़्यादा प्रताड़ित है, आपसे कहीं पहले से और आपसे कहीं ज़्यादा। जिस अरुणाचल को हम उगते हुए सूरज का प्रदेश कहकर उस पर इतराते हैं उसे चीन अपना बताता है। दुनिया जानती है कि किस धोखाधड़ी से ड्रैगन ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद से ही अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को वो साउथ तिब्बत बताकर उस पर हक जताता है। ब्रिटिश पीरियड में तिब्बत ने जिस अरुणाचल को ब्रिटिश भारत का अंग मानकर मैकमोहन लाइन को अपनी स्वीकृति दी थी, चीन उसे गलत मानता है। नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 राज्य हैं और ये तमाम राज्य जितना भारत से जुड़ा हुआ है उससे कई ज्यादा दूसरे देशों के बॉर्डर से सटा हुआ है और इसी का फायदा 50 के दशकों से ही चाइना उठा रहा है, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का दुश्मन बन बैठकर। 1962 की जंग और उसमें अरुणाचल में चीन की घुसपैठ किसी से छिपी नहीं है। यही नहीं, इसके बाद भी आज चाइना अरुणाचल बॉर्डर पर तवांग के पास कभी चुप नहीं बैठा। इसकी दखलअंदाजी ऐसी है जैसे जब भी कोई प्रधानमंत्री या फिर बड़ा नेता अरुणाचल दौरे पर जाता है तो चीन की छाती पर मानो सांप लौट जाता है। चाइना ये उम्मीद करता है कि अरुणाचल प्रदेश में जाने से पहले चाइना की इजाजत ली जाए। यही नहीं,
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को चाइना ने वीजा देने से इसीलिए इनकार कर दिया था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा मानता है। तो जब अपना हिस्सा है तो फिर वीजा की क्या जरूरत। अरुणाचल के राज्य बनने और 1975 में सिक्किम के भारत में विलय पर भी चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी। 80 के दशक में नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद और अलगाव का दौर आया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट दशकों तक जूझता रहा, देश से कटा रहा, उसी उग्रवाद की फंडिंग भी चीन से होती थी। पैसा, हथियार दोनों चाइना से आता था। चाइना दरअसल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ा खतरा है, जिसने ऐसा जख्म दिया है जिसे पार पाना आसान नहीं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के नाक नक्श को देखकर उन्हें चीनी मत कहिए और उनके जख्मों पर नमक मत छिड़किए। चाइना से मिलकर लड़ने का समय है। ऐसे में अपनी जिंदगी से चीनी जरूर कम कीजिए, लेकिन अपने ही लोगों को चीनी मत बुलाइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो और आपके मन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए थोड़ा सा भी अगर प्यार है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़े इसी तरह के वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।